Dear students, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss the measurement of high voltages. We will discuss in detail different techniques which are used to measure DC high voltages, AC high voltages, and impulse high voltages. Before going into detail of lecture, let me tell you why we need to measure these high voltages. Actually, in industrial testing and research laboratories, it is essential to measure the voltages and current accurately, ensuring perfect safety to the personnel and equipment. Hence, when a person is handling the equipment as well as the metering devices, must be protected against over voltages and also against any induced voltage which arises due to the stray coupling or stray capacitance. Now in start, we will discuss DC high voltages, and we will discuss different techniques which are used to measure DC high voltages. The first technique which we use to measure DC high voltages is high ohm series resistance with micro ammeter. जैसा कि आपको इस नाम से भी पता चल रहा है, तो यहाँ पे हमने एक हाई रेजिस्टेंस, एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगाना है विद माइक्रो एमीटर से. आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हाई वोल्टेजेस जो हमने मेजर करने हैं. इस हाई वोल्टेजेस के साथ आपने एक यहाँ पे एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लेनी है जो ओमिक होनी चाहिए. इट मीन्स वो ओम्स लॉ को अबेट करें. इसी के साथ रेजिस्टर के साथ सीरीज में हमने एक माइक्रो एमीटर लगा देना है. इस माइक्रोमीटर की प्रोटेक्शन के लिए आपने यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्टिव डिवाइस लगा देनी है. ये प्रोटेक्टिव डिवाइस जो है कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जिसमें पेपर रैप हो सकता है, नियॉन ग्लो ट्यूब हो सकती है, जीनर डायोड भी हो सकता है, ठीक है. और ये सारी जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेज हैं वो बेसिकली इस माइक्रोमीटर की सेफ्टी के लिए आते हैं. इस माइक्रोमीटर को किसी किस्म का कोई डैमेज ना हो ड्यू टू ओवर वोल्टेजेस एंड द ओवर करंट्स. अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी ड्रॉप होता, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होता, और चूंकि ये सीरीज में है तो आप इस माइक्रोमीटर में से जो करंट गुजरेगा, ठीक है, तो आप वो मेजर कर लेंगे. इस रेजिस्टर की वैल्यू आपको पता होगी, तो वी इज इक्वल टू आई आर की मदद से आप इस वोल्टेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं. अब ये जो रेजिस्टर है ये किस तरह बनाई जाती है, ये स्पेशल रेजिस्टेंस होती है जिनकी वैल्यूज जो होती हैं अंदाजन मेगा ओम्स में होता है, ठीक है. और यहाँ पे जैसे तो मैंने मेंशन दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मेनी वायर्स विच आर बाउंडेड रेजिस्टर इन सीरीज एंड द ओमिक वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस आर इज चूजन सच दैट अ करंट ऑफ 1 to 10 माइक्रो एम्पेयर्स इज अलाउड फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन. एग्जैक्टली इस रेजिस्टर की वैल्यू आपको ऐसे सेलेक्ट करनी है ताकि इस माइक्रो एमीटर की जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है उसके अंदर अंदर जो है करंट लाए करे, ताकि इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर इससे करंट ज़्यादा हुआ तो डेफिनेटली ये माइक्रो एमीटर जो है वो डैमेज हो सकता है. तो आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह सेट करनी है. नेक्स्ट जो है यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप प्रोटेक्टिव डिवाइस लाइक अ पेपर रैप और अ नियॉन ग्लो ट्यूब और अ ज़ीनर डायोड्स जो हैं, दे दीज एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस विद द माइक्रोमीटर विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवर वोल्टेजेस. द रेजिस्टेंस इज डिज़ाइंड कोरोना फ्री. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि इसमें किसी तरह का कोई कोरोना इफेक्ट ना हो. एंड द मटीरियल फॉर द रेजिस्टिव एलिमेंट इज यूजली आ कार्बन अलॉय, ठीक है, कार्बन अलॉय की मदद से ये रेजिस्टेंस जो है ये डिज़ाइन किया जाता है और मेथ छोड़ दिया जाता है किसी किस्म का इसमें कोरोना इफेक्ट ना प्रोड्यूस हो. द सीरीज रेजिस्टेंस मीटर आर बिल्ड फॉर 500 kV DC एंड 500 kV DC तक ये जो सीरीज है मीटर होते हैं, ये जो असेंबली है ये यूज़ की जाती है अप टू 500 kV DC, लेकिन जो इनकी एक्यूरेसी होती है वो अबाउट 0.2% है, बहुत कम एक्यूरेसी होती है इनकी. लेकिन दिस इज अ टेक्निक विच कैन बी यूज्ड टू मेजर हाई वोल्टेज डीसी.
इससे जो इश्यूज हैं, जो इससे फ्लॉज हैं इस टेक्निक पे, वो होते हैं तो इसमें पावर डेसिपेट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, पावर डेसिपेशन होती है। इसमें जो सोर्स है वो उसकी सोर्स लोडिंग हो सकती है, टेम्परेचर इफेक्ट मीन्स जो रजिस्टर है वो हीट अप हो सकता है, ठीक है, और टेम्परेचर इफेक्ट और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है इस इशू होता है। तीन थे ये सर्किट्री जो है ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो दीज आर द इशूज़ विच अराइजेज इफ वी यूज दिस सर्किट्री टू मैयर डीसी हाई वोल्टेजेस। ये नेक्स्ट टेक्निक जो हमारे पास है टू मैयर डीसी हाई वोल्टेजेस, दैट इज द रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर। अच्छा, डीसी वोल्टेजेस या डीसी हाई वोल्टेजेस मैयर करने लिए आपको मैं चीज़ बताऊँ कि जो टेक्निक्स आप लो वोल्टेजेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, लो डीसी वोल्टेजेस के लिए जो आप टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली वही टेक्निक आप हाई वोल्टेजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हाई डीसी वोल्टेजेस के लिए भी आप वही टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जो डिफरेंस है वो सिर्फ उन इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग्स का होता है, ठीक है, मीन्स अगर आपने हाई वोल्टेज मेयर करने हैं तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती वो आपको इंक्रीज करनी पड़ जाएगी, या कैपेसिटेंस की वैल्यू वो आपको इंक्रीज करनी पड़ जाएगी। और लो वैल्यूज़ पे आप लो वोल्टेजेस मैयर कर सकते हैं, हाई वैल्यूज़ पे आप हाई वैल्यू वोल्टेज जो है वो मैयर कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो फिनोमिना है ये आपने अर्ली क्लासेस में इसको पढ़ा था और आपने इसको यूज़ भी किया है टू मैयर लो वोल्टेजेस। तो यही फिनोमिना जो है हम इसको हाई वोल्टेज की मैयरमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये हाई वोल्टेज सोर्स है जो थे हमने मैयर करना है। हमने साथ में इससे दो रेजिस्टेंस लगा दिए सीरीज में, R1 एंड R2। R1 जो है हमारे पास इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और R2 की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। अब हमने चूंकि इस रेजिस्टेंस को ऐसे डिज़ाइन दिया था, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो R2 इज़ लेस लेस देन R1, सो हम यहाँ पे R2 के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो मैयर कर सकते हैं, और वो हम मैयर करते हैं यूजिंग दिस ESV इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर पे जो वोल्टेजेस आए थे वो एक्चुअली इस R2 के अक्रॉस होंगे। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर की प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पे प्रोटेक्टिव डिवाइस जो है वो भी लगा दिए जाते हैं, किसी किस्म के ओवर वोल्टेजेस ओवर करंट की वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर डैमेज ना हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया R2 इज लेस देन R1, सो VR2 विल बी लेस देन VR1। तो हमने जैसे अर्ली क्लासेस में चीज़ पढ़ी थी कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर में हमने जो भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करते हैं तो हम उस रेजिस्टेंस को न्यूमिनेटर में लिखते हैं, उसके अलावा जो रेजिस्टेंस सीरीज में लग देते हैं उनका सम जो है हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम टोटल सोर्स के साथ। तो इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं यहाँ पे इस सिनेरियो के लिए। तो हमारे पास जो फार्मूला मॉडिफाई हुआ है वो कुछ इस तरह हुआ है कि HV जो हमने मैयर करनी है, मीन जो सोर्स वोल्टेजेस जो हमने मैयर करना है वो हम दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 इंटू V2, ठीक है। तो ये फार्मूला जो था पोटेंशियल डिवाइडर था वो कुछ इस तरह मॉडिफाई हो दिया। एक्चुअल जो फार्मूला था है या फॉर R2 जो आपने अर्ली क्लासेस में इसको पढ़ा था वो कुछ इस तरह है, V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू HV। इस फॉर्मूले को हमने मॉडिफाई करते कुछ इस तरह लिख लिया। अब यहाँ इस सर्किट को अगर आप देखते हैं तो ये सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और जब हाई वोल्टेज के लिए आप देखते हैं तो इसकी जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो कम है और इसका जो वेट होता है वो कम होता है और इसको ईजिली आप इसकी पोर्टेबिलिटी जो है वो ईजिली पॉसिबल होती है। और टेम्परेचर का इफेक्ट एंड वोल्टेज ऑन द रेजिस्टिव एलिमेंट इज एलिमिनेटेड इन द वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है, मीन्स जो टेम्परेचर का राइज होना और हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होती है वो इस रेजिस्टेंस डिवाइडर में आप उसको कम कर सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई थी R1 जो है वो हायर है R2 से, वो चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, वेयर V2 इज़ द DC वोल्टेज अक्रॉस R2 एंड R2 इज़ लेस लेस देन R1 एंड VR2 इज़ लेस देन VR1। द सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इज बेस्ड ऑन द वोल्टेज रेंज टू बी मैयर। एग्जैक्टली आपको जब अंदाजा हो जाता है ये जो वोल्टेजेस हैं ये किस रेंज में लाई करती हैं, आपने उसी हिसाब से रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज हैं वो आपने सेट करनी है, और इस तरह आपने मेथ श्योर करना है कि जो रेजिस्टेंस R1 है या R2 जो भी वैल्यू कम होगी, ठीक है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी
उसके अक्रॉस आपने वोल्टेजेस जो हैं वो मैयर करने हैं। तो उसी हिसाब से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर को सेट करना है, डिज़ाइन करना है आपने उसको, यहाँ पे कनेक्ट करना है ताकि किसी किस्म का कोई डैमेज ना हो। उसकी आपने स्केल्स का या उसकी जो लिमिट्स हैं आपने उनको भी आपने सेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये पोटेंशियल डिवाइडर आर मेड विद 0.05% एक्यूरेसी अप टू 100 केवीजी। इस सेटअप को जब आप यूज़ करते हैं टू मैयर हाई वोल्टेज डीसी, तो 100 केवी तक जो एक्यूरेसी देता है वो 0.05% देता है, 0.1% एक्यूरेसी देता है अप टू 300 केवी डीसी, एंड विद बेटर देन 0.5% एक्यूरेसी देता है अप टू 500 केवी। ठीक है, मीन्स इसकी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर मॉडर्न टेक्नीक्स, लेकिन अगेन स्टिल इट इज़ अ टेक्नीक विच कैन बी यूज टू मैयर हाई वोल्टेज डीसी। जी नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्नीक है टू मैयर हाई वोल्टेज डीसी इज नोन एज जनरेटिंग वोल्ट मीटर। जनरेटिंग वोल्ट मीटर आमतौर पर तब यूज़ किया जाता है जब भी आपने हाई वोल्टेज सोर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या डायरेक्ट कनेक्शन ना करना हो, या आप डायरेक्ट कनेक्शन जो है अवॉइड करना चाहते हो, तब आप जनरेटिंग वोल्ट मीटर जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे थे आप तो इस सर्किट में भी नज़र आ रहा है, दिस एच इज़ नोन एज द हाई वोल्टेज टर्मिनल। ये तीन इलेक्ट्रोड जिसमें जी दार्ड इलेक्ट्रोड, पी पिकअप इलेक्ट्रोड और ये जी दार्ड इलेक्ट्रोड, ये दार्ड इलेक्ट्रोड जो है कनेक्टेड है होता है तो मोटर के साथ, एम सिंक्रोनस मोटर होती है जिसकी कांस्टेंट स्पीड होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली तीनों इलेक्ट्रोड जो हैं ये सेम पोटेंशियल पे होते हैं। अब यहाँ से इंडक्शन के थ्रू, इंडक्शन फिनोमेना के थ्रू जो है हाई वोल्टेजेस जो हैं वो इस पे इन इलेक्ट्रोड्स पे आती हैं। ठीक है, इंडक्शन का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और इसी तरह साथ में ये जो सिग्मा आप देख सकते हैं ये है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। अब करंट इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में तभी फ्लो होता जब यहाँ पे सिग्मा जो है नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है वो चेंज होती है। ठीक है, तो नॉर्मली डीसी में, डीसी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी तब भी चेंज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी तब वेरी करेगी जब इसका जो फील्ड लाइंस जो हैं, ठीक है, फील्ड लाइंस में कमी या ज्यादा होगा तब यहाँ से इसमें करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो इसमें से नहीं करेगा। तो हम बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये दार्ड इलेक्ट्रोड है इसको कनेक्ट कर देते हैं मोटर के साथ, एक सिंक्रोनस मोटर के साथ। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, ये जो दार्ड इलेक्ट्रोड है यूँ इस तरह मूव करता है। ठीक है, इट कम टूवर्ड्स द पिकअप इलेक्ट्रोड एंड अवे फ्रॉम द पिकअप इलेक्ट्रोड। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फील्ड लाइंस इस इलेक्ट्रोड्स पे आ रही होती हैं उनमें कमी और ज्यादा होती रहती है। ठीक है, मीन्स ये वो कम होती हैं जब वो दार्ड इलेक्ट्रोड अवे मूव करता है, और ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा फील्ड लाइंस कैप्चर होती हैं जब ये दार्ड इलेक्ट्रोड जो है इस पी की तरफ आता है। तो इसकी वजह से डीसी केस में क्या होता है, ये जो सिग्मा होता है, ठीक है, ये फिर टाइम का फंक्शन नहीं रहता बट जबकि ये चार्ज क्यू का फंक्शन हो जाता है। अब यही चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन आपके साथ आपको मैं करवाता हूँ। इट इज़ अ वेरिएबल कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर जनरेटर विच जनरेट्स करंट दैट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेजेस एंड इट प्रोवाइड लॉस फ्री मेजरमेंट ऑफ डीसी एंड एसी वोल्टेज। ये सेटअप जो है ना सिर्फ एसी के लिए यूज़ हो सकता है बल्कि ये डीसी के लिए भी यूज़ हो सकता है। डीसी के लिए आपको यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, तो ये दार्ड इलेक्ट्रोड जो है आपको इसको एक मोटर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और इसको मूव करवाना पड़ेगा ताकि जो फील्ड लाइंस हैं वो कम या ज़्यादा हो सके। द डिवाइस इज ड्रिवन बाय एन एक्सटर्नल सिंक्रोनस और कांस्टेंट स्पीड मोटर एंड इट डज नॉट एब्जॉर्ब पावर और एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज मेजरिंग सोर्स। एग्जैक्टली, ये जो मोटर है इसको आपने ऐसे सोर्स साथ लगाना था ताकि ये इस हाई वोल्टेज सोर्स से एनर्जी जो है ना ड्रॉ करे, और इस बेसिकली इस हाई वोल्टेज सोर्स से जब एनर्जी अगर ड्रॉ नहीं करेगा तो डेफिनेटली आपको एक्यूरेट रीडिंग जो है वो मिलेगी। इसमें हमारे पास जो एच है वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड है, और जो अर्थन इलेक्ट्रोड्स हैं या लो वोल्टेज इलेक्ट्रोड हैं वो फर्दर सब डिवाइडेड हैं, एक सेंसिन या पिकअप इलेक्ट्रोड पी। ठीक है, ये जो है ये सेंसिन या पिकअप इलेक्ट्रोड है, सबसे ज़्यादा फील्ड लाइन जो हैं इस पी इलेक्ट्रोड पर आती हैं। इसके अलावा हमारे पास दार्ड इलेक्ट्रोड्स हैं जी। ठीक है, ये जहाँ आप देख सकते हैं दार्ड इलेक्ट्रोड्स, और एक मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है, ये जो दार्ड इलेक्ट्रोड है ये एक मूवेबल इलेक्ट्रोड साथ या मूवेबल मोटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, एम, और ये सारे सेम पोटेंशियल पे होते हैं।
सिग्मा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, ठीक है। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, सिग्मा इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, मीन्स कितने फ्लक्स लाइन जो है मूव कर रही है फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। इसमें जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप करवाता है, ठीक है, बिटवीन पिक अप इलेक्ट्रोड, गार्ड इलेक्ट्रोड और ठीक है इनके बीच में ये एक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू फ्लक्स लाइन्स विच आर मूविंग फ्रॉम हाई वोल्टेज टू दीज लो वोल्टेज टर्मिनल्स। अदर डी सी होती, ठीक है, इफ वी आर मेजर इन डी सी या इफ वी आर अकाउंट इन डी सी वोल्टेजेज, करंट जो है वो फ्लो ओनली तब करेगा जब एम इस एम को आप मूव करेंगे, मीन्स इस डार्ड इलेक्ट्रोड को आप मूव करेंगे, ठीक है, और इससे मूव करने से क्या होता है जो सिग्मा होता है दिस विल नॉट रिमेन द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जो सिग्मा है वो फिर टाइम का फंक्शन नहीं होता बिकॉज दिस सिग्मा दिस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द सोर्स, सोर्स जो थे डी सी है एंड डी सी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द टाइम, सो दिस सिग्मा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड व्हेन इट इज डी सी दिस सिग्मा विल बी डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज क्यू विच इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ द पिक अप इलेक्ट्रोड विच इज एक्सपोज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज, ठीक है। जो सिग्मा होता वो डिपेंडेंट होता चार्ज क्यू पे और वो चार्ज क्यू कम या ज़्यादा हो रहा है दिस बेसिस पे बिकॉज आप इस डार्ड इलेक्ट्रोड को मूव करवा रहे हैं यूज इन दिस मोटर एम, ठीक है। तो ये जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी, जैसे अवे मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कम हो जाएंगी। जैसे तो मैंने आपको बताया थे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड और लो वोल्टेज इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से कैपेसिटिव इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है और ये कैपेसिटिव इफेक्ट जो है वो फंक्शन होता है टाइम टी पे बिकॉज जो एरिया है वो टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है, ठीक है। अब एरिया की वेरिएशन जो है डिपेंडेंट होती है गार्ड इलेक्ट्रोड जो कनेक्टेड है मोटर के साथ। अब जैसे जैसे डार्ड इलेक्ट्रोड टू एंड फ्रो मूव करेगा, ठीक है, तो उसी हिसाब से जो एरिया है वो कम या ज़्यादा होगा, तो उसी हिसाब से कैपेसिटिव इफेक्ट जो है वो भी कम या ज़्यादा होगा। द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इन द चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज गिवन बाय, ठीक है, ये क्यू इज इक्वल टू सी वी, दिस इज अ जनरल इक्वेशन विच इज यूज फॉर द कैपेसिटेंस। Next we have if the capacitor if the capacitance of capacitor varies with time when connected to a source of voltage V then the current through the capacitor is given by I is equal to हमें पता है कि current equation for the capacitance is given as I is equal to dQ over dt। इसमें जो हमारे पास क्यू, ठीक है, क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है क्यू इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। इस तो जब आप सब्सटीट्यूट करते हैं और आप इसका डेरिवेटिव लें तो कुछ इस तरह आता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास वोल्टेज है वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रही है और जो कैपेसिटेंस है वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहे हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पे इसको ये वाला फार्मूला इस पे लगाया, ठीक है, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया बिकॉज बोथ ऑफ दीज क्वान्टिटीज सी कैपेसिटेंस सी एंड वोल्टेज वी दे आर वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द टाइम, तो इस पे आपने प्रोडक्ट रूल जो है वो लगा दिया। अब अगर ये डी सी होगा, ठीक है, ये तो है जेनेरिक इक्वेशन, लेकिन अगर ये डी सी होती वोल्टेजेस जो हैं वो डी सी होता मीन्स वोल्टेज इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस थिंग जो है सी इंटू डी वी ओवर डी टी, ठीक है, ये जो है फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जब ए सी होता तो आप इन दोनों को कंसिडर करेंगे, लेकिन जब डी सी होता तो आपने इस वाले फैक्टर को जो जिसमें डी वी ओवर डी टी है बिकॉज फॉर डी सी डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, हेंस जो आपके पास रिजल्टेंट करंट होगा इस पूरे सेटअप में दैट इज डिपेंडेंट अपॉन डी सी ओवर डी टी। अब इसमें डी सी क्या है, चेंज इन कैपेसिटेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये कैपेसिटेंस की जो चेंजेस है ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड्स की मूवमेंट पे, ठीक है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है वो कम या ज़्यादा होती है। सो फॉर डी सी द वोल्टेज इज डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो, सो हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन है दैट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू डी टी ओवर डी टी विच इज इक्वल टू वी इंटू डी सी ओवर डी टी।
अदर टेपेस्ट्रॉन जो है वो चेंज हो रही है बिटवीन लिमिट्स, अपने मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के बीच में टेपेस्ट्रॉन जो है वो चेंज हो रही है। और मिनिमम लिमिट लेट सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास सी नॉट है, तो मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो हमारे पास सी नॉट प्लस सी एम है, ठीक है। या अदर पीरियोडिक सिग्नल है तो हमारे पास जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी एम साइन ओमेगा टी। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो करंट थी इक्वेशन बने थी, ठीक है, वो हमारे पास तो किस तरह बने थी, आई इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है। आपने सिंपल इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है तो आपके पास रिजल्टेंट जो है ये आ जाएगी। और अगर आपने इसका पीक वैल्यू के लिए डिफाइन करना हो, ठीक है, तो इसमें आई एम जो है हमारे पास, आई एम इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। नेक्स्ट आप इस करंट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी या आई एम इज इक्वल टू वी सी एम इन टू ओमेगा। अगर आर एम एस वैल्यू की बात करें, करंट की आर एम एस वैल्यू की बात करें, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है आर एम एस करंट की, दैट इज गिवन बाय आई आर एम एस इज इक्वल टू वी सी एम ओमेगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। तो ये बेसिकली करंट डिफरेंट करंट्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये ओवरऑल करंट है, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी जो थे आया है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में सी थी वैल्यू पुट करने और इसका डेरिवेटिव लेने से ये वैल्यू आई है। इसमें आई एम जो है हमारे पास पीक वैल्यू है, आई एम की वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो आपको कुछ इस तरह से आई थी, ठीक है। और आर एम एस वैल्यू की अगर आप बात करें तो आपने सिंपल इस वैल्यू को अंडर रूट टू से डिवाइड कर देने तो आपके पास आर एम एस वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर कॉन्स्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ मोटर जो है वो मूव कर रही है, तो उसमें हमारा जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज से, एंड द जनरेटेड करंट इज रेक्टिफाइड एंड मेजर्ड बाय अ मूविंग कॉइल एमीटर, ठीक है। तो जितनी वोल्टेजेस होती उस हिसाब से करंट जनरेट होगा और हम उस करंट को मेजर कर सकते हैं, हम उस करंट को मेजर करेंगे यूज इन दीज इक्वेशंस। और अगर वो करंट की वैल्यू, ठीक है, कम होती तो हम उसमें एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह यूज़ करते हैं आपको मैं आगे चलते बताता हूँ। तो इन करंट को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं और उस करंट को फिर आप मूविंग कॉइल मीटर के साथ आप मेजर भी कर सकते हैं। जी जैसे तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जनरेटिंग वोल्ट मीटर जो है वो एसी वोल्टेज मेजरमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो शर्त है वो क्या है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है, ठीक है, दैट इज दैट मस्ट बी इक्वल टू और इसको बराबर होना चाहिए हाफ ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी थे, ठीक है। मीन जो सप्लाई आप जो दे रहे हैं, जो हाई वोल्टेज सप्लाई आप दे रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी होती तो उससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है, ठीक है, वो उससे लेस होनी चाहिए, उससे हाफ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये उसकी एक शर्त है, जैसे तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है जो पहले राइज हो रहा है, ठीक है, ये बेसिकली सी एम जो कैपेसिटेंस है उसको शो कर रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस जो है वो भी टाइम के साथ साथ कम या ज़्यादा हो रहा है। ये ग्राफ बेसिकली वोल्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए ग्राफ शो किया गया है। इसमें आप ये जो ग्राफ देख सकते हैं ये बेसिकली वोल्टेज के लिए है, और ये जो ग्राफ है ये कैपेसिटेंस के लिए ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज जो है अगर आप देख सकते हैं, ये वोल्टेज इज सेम ओवर वन साइकिल वेरिएशन फॉर ऑल द फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड द कैपेसिटेंस। आप देख सकते हैं कि एक साइकिल के अंदर ये वोल्टेज था, एक साइकिल है, तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। मीन्स कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है, इसमें यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रही। और नेक्स्ट जो ये साइकिल है, ठीक है, ये वाला जो साइकिल है, इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू सारी डिक्रीज हो रही है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है सी एम, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द कैपेसिटेंस, ठीक है। और टाइम के विद रिस्पेक्ट जो चेंज हो रही है कैपेसिटेंस, उसकी वैल्यू जो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं सी ऑफ टी, मीन जो कैपेसिटेंस टाइम के साथ चेंज हो रही है। और ये जो है बेसिकली टी सी, ये टोटल टाइम है कैपेसिटेंस का जिसमें कैपेसिटर जो है वो फुल चार्ज और डिस्चार्ज जो है वो हो रहा है, ठीक है। और ये जो टी वी है ये बेसिकली टाइम पीरियड है फॉर द वोल्टेजेस। अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस ओवर द टाइम पीरियड टी वी इज इक्वल टू सी एम ओवर टी वी, ठीक है। मीन्स सी एम ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, और जिस टाइम में मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे टी वी है।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस ओवर टाइम टी वी इज इक्वल टू सी एम ओवर टी वी। अगर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फॉर एसी वोल्टेजेस विल बी गिवन एज सी एम। सी एम जो है कैपेसिटेंस की मैक्सिमम वैल्यू है। इसमें एफ वी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस टी वी से एफ वी आया है, और वी ऑफ टी जो है वो वोल्टेज की वैल्यू है यहाँ पे, जो थे टाइम के विद रिस्पेक्ट चेंज हो रही है। एंड हेयर एफ वी इज इक्वल टू 1/TV, जैसे थे मैंने आपको तो अभी बताया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/टाइम के बराबर होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज, ठीक। नेक्स्ट वी हैव एफ वी इज इक्वल टू 2 × FC, ठीक है। जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स है कैपेसिटेंस की फ्रीक्वेंसी थे, और वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। वोल्टेज का जो ग्राफ है वो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, जब ते उस टाइम पे कैपेसिटेंस जो है वो अपना हाफ साइकिल कंप्लीट करता है। सिंक्रोनस मशीन्स के लिए जो एफ सी होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 60/N के, ठीक है। तो अब बेसिकली ये जो वैल्यू है, इसको आप जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये जो रिजल्टेंट बनेगा वो N/30 बन जाएगा। तो उसको अगर आप करंट के लिए आप पुट करते हैं, ठीक है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने करंट की वैल्यू पढ़ी थी, जो थी हम वी सी एम इंटू ओमेगा, तो ओमेगा दी जाता। अगर आप ये वाली वैल्यू पुट अप कर रहे हैं तो हमारे पास तो ये रिजल्टेंट आता है N/30 × CM इंटू वी ऑफ टी। तो करंट फॉर एसी सप्लाई, ठीक है, जब आप एसी मैयर कर रहे हैं तो उसके लिए जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी आई ऑफ टी इज इक्वल टू N/30 × CM इंटू वी ऑफ टी। रिमेंबर वी ऑफ टी इज अ एसी सिग्नल। द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू D3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है, इसमें ये D3 है, ये D0, D1 एंड D2। D3 इज हाई वोल्टेज सोर्स एंड D0 इज द रिसीविंग या लो वोल्टेज इलेक्ट्रोड। इन D3 और D0 के बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। इंडक्शन का फिनोमेना होता है। अब जितना ज़्यादा D0 इस फील्ड लाइन्स को कैप्चर करेगा, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे एम मीटर जो है वो आपको एग्जैक्ट और क्लियर वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसी तरह D1 और D2 जो है ये भी, जिस तरह मैंने आपको बताया पिथक इलेक्ट्रोड के साथ जो डार्ट इलेक्ट्रोड हैं ये वो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं D0 जो है कनेक्टेड है सिंक्रोनस मोटर के साथ, ठीक है। मीन सिंक्रोनस मोटर जो है इस D0 को रोटेट करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइन्स कैप्चर करने की कोशिश करेगी। इसकी कैप्चरिंग जो है डिपेंड करता है इस सिंक्रोनस मोटर की स्पीड पे, ठीक है। जितने हिसाब से जितनी ज़्यादा रोटेशन होगी उतने ही अच्छी इसकी फील्ड लाइन्स कैप्चरिंग करेगा। ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन व्यू है उस सेटअप का जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था। अब यहाँ पे अगर हम इसको देते हैं तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड जो है वो कनेक्टेड होता है D3 या D3 के साथ। यहाँ पे हाई वोल्टेज कनेक्टेड होती है विच इज टेप्ड एट अ फिक्स डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ द अदर लो वोल्टेज इलेक्ट्रोड, और लो वोल्टेज इलेक्ट्रोड में D2, D1 और D0 शामिल है। द रोटर D0, ठीक है, जो D0 है वो मूवेबल होता है, ठीक है, जो होता है कनेक्टेड होता है सिंक्रोनस मोटर के साथ। द रोटर D0 इज ड्रिवन एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड बाय अ सिंक्रोनस मोटर एट अ सुटेबल स्पीड। द रोटर वेन्स ऑफ D0 कॉजेज पीरियोडिक चेंज इन द कैपेसिटेंस बिटवीन द इंसुलेटेड इज D2 एंड द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड D3, ठीक है। अब ये D0 जैसे जैसे मूव करता है तो इसके बीच में जो वेन्स होती हैं, जो खला होती है इसके बीच में, उस हिसाब से फील्ड लाइन जो है वो कट होती हैं, और इसके कट होने की वजह से ये D1 और D2 पे इंडक्शन होता है, और फील्ड जो है वो पीरियोडिक चेंज होते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। पीरियोडिक चेंज ऑफ कैपेसिटेंस की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है, और वो करंट आप यहाँ पे एमीटर के अक्रॉस मेजर कर सकते हैं। जी, जब आप करंट आपके पास आ जाता है तो अगर वो करंट की वैल्यू काफ़ी छोटी है, काफ़ी कम है, तो आप उस करंट को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स एम्पलीफायर आप यूज़ कर सकते हैं टू एम्पलीफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट बिफोर द करंट इज मेजर एंड दे आर लीनियर स्केल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपको D3, D0, D1, D2 बताया था, अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन व्यू देते हैं तो कुछ इस तरह होता है। ये D0 जैसे तो मैंने आपको बताया उसमें वेन्स होती हैं, ठीक है। मीन्स एक फैन की तरह होता है ये, तो ये जो वेन्स हैं इनको जब आप रोटेट करते हैं तो इसमें से फ्लक्स लाइन जो हैं, फील्ड लाइन जो हैं, वो कट होती हैं, और उनका जो इफेक्ट होता है वो D1 और D2 पे आता है, जिसकी वजह से कैपेसिटिव इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है।
द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द पिता पिलेट्रोड। ठीक है, डेफिनेटली जितना ज़्यादा एरिया ऑफ पिता पिलेट्रोड होगा उतना ही सेंसिटिव होगा, उतनी ही एक्यूरेसी आएगी, और उसी हिसाब से आप उसको इस तरह को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। अब इस सारे सेटअप का ये जो जनरेटिंग वोल्ट मीटर, इससे कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ इससे लिमिटेशंस हैं। वो एडवांटेजेस क्या हैं उससे? सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है थे आप जो सोर्स है वो चूंकि डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती किसी भी इक्विपमेंट के साथ, वो सोर्स लोडिंग जो है वो नहीं होती यहाँ पे। नो सोर्स लोडिंग बाय द मीटर, नो डायरेक्ट कनेक्शन टू द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड। ठीक है, डेफिनेटली जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे आपका इंसुलेशन भी आप इंसुलेशन को भी आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सेल लीनियर है और एक्सटेंशन ऑफ सेल जो है वो ईजिली पॉसिबल है। ठीक है, मीन्स आप इसको काफ़ी वाइड रेंज ऑफ द मेजरमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज द सेल इज लीनियर। अदर लिमिटेशंस की हम बात करें तो लिमिटेशन जो सबसे पहली लिमिटेशन है वो है इसकी जो कैलिब्रेशन होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है बिकॉज इसमें जो हमारे पास पिता इलेक्ट्रोड और डॉट इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है उनकी जो सेटिंग है तो उसको सेट करना एंड टू कैप्चर मैक्सिमम फ्लक्स और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है अगेन दैट इज़ अगेन अ डिफिकल्ट प्रोसेस, और ज़रा सी डिस्टर्बेंस हो गई किसी भी इलेक्ट्रोड में तो उसकी वजह से जो ओवरऑल फ्लक्स की कैप्चरिंग है वो ख़राब हो सकती है और उसमें उनकी एक्यूरेसी जो है वो अफेक्ट कर सकती है। मीन्स डिस्टर्बेंस इन द पोजिशन एंड माउंटिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड मेक द कैलिब्रेशन इनवैलिड। तो ये बेसिकली इस तरह ये उनकी लिमिटेशन हैं जनरेटिंग वोल्ट मीटर की। तो ये बेस सारा एक्सप्लेनेशन थी जनरेटिंग वोल्ट मीटर थी। तो इससे इन टॉपिक्स से रिलेटेड अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।